यूपी के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने भारत में असुरक्षित महसूस करने वालों को बम से उड़ाने की बात की है। हाल ही में मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने देश में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। बीजेपी विधायक सैनी के इस बयान को नसीरुद्दीन शाह के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो में सैनी ये कहते हुए सुनाई देते हैं, ऐसे लोग जो देशद्रोही हैं, जो कहते हैं कि हमें देश में खतरा है, मैंने उनके लिए बोला है कि उनका कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। ऐसा सख्त कानून बने कि जो ऐसा बोले उसके लिए सजा का प्रावधान हो और ये देशद्रोह की श्रेणी में आए। मुझे अगर सरकार मंत्रालय दे दे तो मैं उन्हें बम से उड़ा दूंगा। सेना के पास बहुत बम है, वहां से लेकर फोड़वा दूंगा। ये बहुत जरूरी है, ये मेरी व्यक्तिगत भावना है। नसीरुद्दीन शाह ने अपने बयान में बुलंदशहर की घटना का जिक्र करते हुए देश में धर्म और जाति के नाम पर भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि देश में एक गाय की जान पुलिस अधिकारी से कीमती हो गई है। हमारे परिवार में बच्चों को धार्मिक तालीम नहीं दी गई है। मुझे डर लगता है कि अगर उनसे उनका धर्म पूछा गया तो वे क्या जवाब देंगे। समाज में बढ़ रही सांप्रदायिकता पर अपनी बात के क्रम में ही उन्होंने ये भी कहा, समाज में इस तरह का जहर फैल चुका है, मुझे मेरे बच्चों को लेकर चिंता होती है। इंडिया टुडे से खास बातचीत में बयान पर उठे विवाद को लेकर नसीरुद्दीन शाह ने साफ किया कि जिस तरह सोशल मीडिया पर वो ट्रोल के निशाने पर आए हैं, इससे उन्हें रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं डरा नहीं हूं, लेकिन गुस्से में हूं। पहले मॉब लिंचिंग नहीं होती थी, आजकल ये चीजें हो रही हैं। मैं अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूं, मैं बतौर मुस्लिम इनसिक्योर नहीं हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।